हेलो फर्स्ट क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं। सो आई कम इन अगेन फॉर चैप्टर नंबर 5। यस, सो आपने होमवर्क किया था, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 का होमवर्क लास्ट वीडियो क्लास में दिया था। आई नो वेरी वेल आप सब लोगों ने अपना होमवर्क फिनिश किया होगा, आई होप सो। ओके, सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो क्लास एट लिटिल इंडियन स्कूल एट होम, एंड दिस इज पूनम भाटी फ्रॉम लिटिल इंडियन स्कूल, एंड एज यू नो दैट आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सो एवरी डे यू वुड बी अटेंडेड द वीडियो क्लासेस एंड सॉल्व एंड प्रैक्टिस दैट टॉपिक विच आई डिस्कस इन द वीडियो क्लास, राइट स्टूडेंट? सो मेक श्योर दैट यू हैव योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक विद यू विद ऑल द टाइम व्हाइल अटेंडिंग द वीडियो क्लास। सो प्लीज टेक नेक्स्ट 5 सेकेंड टू कीप योर बुक रेडी। 5, 4, 3, 2, and 1. Students, I hope these you all are ready. Yes, you are very good students. So let's get start. Today we are going to cover day 3 for chapter number 5. Okay, आज हम day 3 cover करेंगे chapter number 5 के लिए. Student, this is your chapter number 5 and chapter name is keyboard. In this chapter, we already covered day 1 and day 2 video, in which we covered two topics, keyboard and letter key. Okay, so keyboard has many key, okay, and which used for type words, letters and number, and this process is called the typing. And letter key is also called the alphabet key, which is arranged in the jumble manner on the keyboard, right? So these are the some revision for the keyboards and the letter key. Okay. So now in this video we covered the third topic, like. So students, your computer textbook has been covered this topic. Okay. And this topic is keyboard, letter. कीबोर्ड, लेटर की, नंबर की, स्पेस बार की, एंटर की, डिलीट की, बैक स्पेस की, ओके, एरो की एंड कैप्स लॉक की, राइट? नाउ इन दिस वीडियो वी ऑलरेडी कवर टू टॉपिक, लाइक कीबोर्ड्स एंड लेटर वी ऑलरेडी कवर, ठीक है? नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर द नंबर की, एंड इफ हैव वी हैव some time, then we also going to cover the space bar key. अगर हमें कुछ time बचा तो हम space bar key भी cover करेंगे, right? तो चलिए हम सबसे पहले number key के बारे में study करते हैं. Number key क्या होता है? Number से आपको पता चल रहा है कि number key क्या होती है. चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. So student, this is our today topic, that is the number key. Okay, हमने last class में letter key पढ़ा था कि alphabet की letter key होते हैं. अब हम पढ़ेंगे नंबर की. तो एज अ नेम सजेस्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेम नंबर है, तो ऑब्वियसली कीज़ भी हमारी नंबर की होंगी, है ना? तो हमारी नंबर की शो करती है नंबर 0 to 9, ठीक है? तो द नंबर की शोज नंबर्स 0 to 9, ठीक है? हमारी कितनी नंबर 0 to 9 हमारे नंबर्स होते हैं, जिन जो कॉम्बिनेशन ऑफ बनते हैं 0 to 9, ठीक है? तो हमारे जो कीज़ पर ये नंबर लिखे होते हैं उनको हम नंबर कीज़ बोलते हैं. तो द नंबर की शोज द नंबर फ्रॉम 0 to 9. दीज की हेल्प अस टू टाइप नंबर. अब ये की हमको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, किस लिए हेल्प, किस क्या हमारी हेल्प कर रहे हैं? नंबर को टाइप करने के लिए. किसके लिए हेल्प कर रहे हैं? नंबर को टाइप करने के लिए. इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप नंबर 2, देन यू कैन प्रेस द नंबर की 2 नंबर की, ठीक है? 2 नंबर की आप प्रेस करेंगे तो ही आपका नंबर टाइप होगा 2, ठीक है? इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड 2 नंबर, 2 + 3, तो यू यूज़ नंबर की 2 and 3, तो आपका आंसर मिलेगा 2 + 3 = 5, ठीक है? तो नंबर की हमारी नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. समझ में आया ये बात हम आप लोगों को? राइट, वेरी गुड. सो स्टूडेंट, वी फाइंड देम एट 2 प्लेस ऑन ए कीबोर्ड. नंबर कीज़ को हम 2 जगह पर देख सकते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर,
और कुछ हमारे नंबर कीज़ इस तरीके से अरेंज होती हैं हॉरिजॉन्टली, और कुछ कुछ हमारी कीज़ इस तरीके से अरेंज होती हैं जो बॉक्सेस में अरेंज होती हैं। सो ये हमारी नंबर्स कीज़ हैं। दो कीज़ के ऊपर नंबर लिखे होते हैं उनको हम नंबर्स कीज़ बोलते हैं। सो नंबर की शोज़ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। दीज कीज़ हेल्प अस टू टाइप नंबर। वी फाइंड देम एट 2 प्लेस ऑन ए कीबोर्ड। ठीक है, हम इन कीज़ को 2 प्लेसेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द नंबर कीज। नाउ नेक्स्ट की इज स्टूडेंट, नेक्स्ट की इज स्पेस बार की। आप देखते होंगे कंप्यूटर पे कितनी लंबी की होती है, उसे जिसे हम लॉन्गेस्ट की भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेस बार की। सो लेट्स लर्न अबाउट स्पेस बार की इन डिटेल। स्पेस बार की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। ठीक है, स्पेस बार की हमारे 2 वर्ड्स में स्पेस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सपोज यहाँ मैंने लिखा राम, एक जगह लिखा राम और एक जगह लिखा पेन। ठीक है, तो जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम किस कीबोर्ड में कैसे देते हैं, इस स्पेस बार की को यूज़ करके। ठीक है, तो दिस इज़ द स्पेस बार की, और आप इस वीडियो में भी यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड है, इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट की है उसको हम स्पेस बार की बोलते हैं। तो 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए हम इसके कौन सी की का यूज़ करते हैं, स्पेस बार की के लिए। ठीक है, अगर हम स्पेस बार की प्रेस नहीं करेंगे तो ये दोनों वर्ड हमारे एक साथ लिखाई देंगे। कैसे लिखाई देंगे मैं आपको बता देती हूँ, कैसे लिखाई देंगे, इस तरीके से राम पेन, ये एक साथ लिखाई देंगे। ठीक है, वी यूज द स्पेस बार की आफ्टर एवरी वर्ड कॉमा एंड फुल स्टॉप वाइल टाइपिंग ए सेंटेंस। जब हम एक सेंटेंस को टाइप करते हैं तो हम स्पेस बार की को यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसी भी वर्ड के बाद यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कॉमास को, जैसे हमने लिखा राम पेन, तो राम कॉमा फिर स्पेस फिर पेन। ठीक है, ऐसे इस तरीके से, या फुल स्टॉप के बाद भी स्पेस बार, तो हम कहीं भी स्पेस बार की यूज़ कर सकते हैं स्पेस देने के लिए। ठीक है, दिस की इज़ कॉल्ड द लॉन्गेस्ट की। अगर कोई पूछे स्पेस बार की को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की, राइट। समझ में आया। सो स्पेस बार की इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। वी यूज़ द स्पेस बार की आफ्टर एवरी वर्ड कॉमा एंड फुल स्टॉप वाइल टाइपिंग ए सेंटेंस, राइट। Now, one question is arising in my mind. You just give the answer of this question. Which key will you use while typing this word? ठीक है, जब आप इसको टाइप करेंगे, ये दिख रहा है आपको, जब आप इसको टाइप करेंगे, ये अलग अलग हैं लेकिन ये एक साथ लिखे हुए हैं, अभी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन एक साथ लिखे हुए हैं, तो मेरे को इनको जब यूज़ इनको अलग सेपरेट सेपरेट करना है, तो कौन सी की यूज़ करेंगे, स्पेस बार की। कौन सी की यूज़ करेंगे, स्पेस बार की। तो हम जब स्पेस बार की यूज़ करेंगे तो ये लेटर इस तरीके से लिखेगा, टुडे स्पेस एज स्पेस माय स्पेस बर्थडे। अम्मू, ठीक है, तो अब देखिए इसमें कोई स्पेस नहीं था, हमने यहाँ स्पेस बार की यूज़ किया तो यहाँ पर स्पेस आ गया। तो हम बोल सकते हैं स्पेस बार की विल बी यूज वाइल टाइपिंग दिस सेंटेंस, राइट। सो स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर स्पेस बार की। आज हमने स्पेस बार की और नंबर की फिनिश किया है। ठीक है, तो इट्स टाइम टू होमवर्क। यू हैव टू लर्न अबाउट द लेटर की, नंबर की एंड स्पेस बार की, राइट। नाउ इट्स टाइम टू गोइंग। नाउ स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे खूब सारा एंजॉय करिए, बट साथ में आपको स्टडी भी करनी है, राइट। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। दिस स्माइली फॉर यू स्टूडेंट्स, ओके। ये स्माइली आपके लिए है जो मैं आपके लिए बनाई है। सो ऐसे ही स्माइल करती रहिए। हैव ए नाइस डे। बाय 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 स्टूडेंट्स।